Redmi Note 4 के लिए Oxygen OS का न्यू अपडेट आया हुआ है जो कि Android 10 पोर्ट रोम है और ये पोर्ट किया गया है OnePlus 5T से और इसके मेंटेनर हैं यस। तो यहाँ पर जो है इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ इंस्टॉलेशन भी आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर जो है क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और बग फीचर्स जो भी हैं आपको पूरी वीडियो देखना है लास्ट तक, तो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट फोन में, तो ऊपर आपको प्रोसेसर डिटेल्स मिल जाती है, डिवाइस नेम OnePlus 5T है जिससे पोर्ट किया गया है और डेवलपर नेम यस मिल जाता है और नीचे आपको ऑक्सीजन ओएस वर्जन जो कि 10.0.1 और एंड्रॉयड वर्जन हमारा यहाँ पे 10 मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल हमारा जो है यहाँ पे 1 सितंबर 2020 का है और यहाँ पे हमारा जो कर्नल है 3.18 बेस पे यहाँ पे ZLOS का कर्नल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हम चलते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ, तो स्टेटस बार में जो है ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें काम ही कर रही है यहाँ पे, ये कुछ टॉगल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके जो हमें यहाँ पे काम कर रही है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है, तो हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर और इसे जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि इस पर 60 FPS आपको मिल जाता है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा लैग आपको मिलता है, लेकिन इंटरनल साउंड जो है वो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे होता है, तो आपका जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होगा साउंड। और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से मिल जाता है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है ये वॉल्यूम पैनल, तो इस तरीके से आपका एक्सटेंड होता है। पावर मेन्यू जो है आपका नॉर्मल है, अगर आप एडवांस रिपोर्ट इनेबल करना चाहते हो तो आपको जो है डेवलपर ऑप्शन पे मिल जाएगा। ऐप ओपनिंग इस तरीके से आपका बिल्कुल देख सकते हैं, हल्का आपको यहाँ पे जो है एनिमेशन लैग हल्का सा बिल्कुल देखने को मिल रहा है इसमें हालांकि। और यहाँ पे जो है रिसेंट हमारा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आपका ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आप रिसेंट पे टैप करते हो होल्ड करते हो यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं वॉलपेपर में, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स आपको ये सारे मिल जाते हैं, लाइव वॉलपेपर हालांकि नहीं है यहाँ पे। और जो कि विजेट मिल जाता है, विजेट्स हमारा एन यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स है जिसमें आपको आइकन पैक यहाँ पे मैकलेरन का एंड साइबर पंक का भी आइकन पैक देखने को मिल जाता है और नीचे आपको हिडन स्पेस भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कैमरे के बारे में, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको यहाँ पे कैमरा गो देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप जीकेम यूज़ करते हो तो आराम से आप यूज़ कर पाओगे, जीकेम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो जीकेम जो है हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हालांकि स्लो मोशन में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी सारी चीज़ें जो है परफेक्ट यहाँ पे काम कर रही है। और प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर हमारा नॉट सर्टिफाइड है, तो आपको इस पर जो है मैजिक मैनेजर 20.3 वर्जन आपको फ्लैश करना है, उसमें आपको सेफ्टी नेट मिल जाएगी। तो सिंपली प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में जा करके वहाँ पे स्टोरेज जो है क्लियर कर देना, उसके बाद ये आपका सर्टिफाइड हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको बाकी रोम्स में भी बता रखा हूँ, वैसे आपको बैंकिंग ऐप हाइड कैसे करना उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको FM नहीं मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे गेम स्पेस वो आपको मिल जाएगा, स्टैटिक जो कि यहाँ पे हमारा जो कि सॉरी फनेटिक मोड है ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। और अब बात करते हैं कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर आप सबसे पहले सेटिंग में जा करके यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर देना ताकि आपको साउंड की प्रॉब्लम ना हो, और एक बार रिबूट कर लेना अपना डिवाइस तो ये जो है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कॉलिंग की अगर हम बात करें तो कॉलिंग जो है आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, वोल्टी आपका काम कर रहा है, हालांकि इसमें जो है आपका वीडियो कॉलिंग वो आपका काम नहीं करता, उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। एंड कॉल रिकॉर्डिंग हमारी वर्किंग है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है और साउंड भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कॉल रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं N22 बेंचमार्क स्कोर की तरफ, तो एक जो कि 101837 हमें यहाँ पे N22 का स्कोर मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारी हार्डवेयर बटन लाइट है वो काम नहीं करती है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये काम नहीं करेगा। और कास्ट हमारा वर्किंग मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है हमारा, एंड नाइट मोड काम कर रहा है, रीडिंग मोड काम कर रहा है। अमिन डिस्प्ले के अंदर अगर हम चलते हैं तो लैपटॉप डिस्प्ले जो है ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो मैं अभी एक बार लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये काम नहीं कर रहा जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें आपको बग मिल जाता है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बग जैसे कि मिलेगा इस रोम में तो आप जो है बता देना ताकि अगले अपडेट में ये चीज़ें भी फिक्स हो जाएं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं, यहाँ पे ब्लिंक लाइट मिल जाता है, LED नोटिफिकेशन मिल जाता है, स्टेटस बार के सेटिंग्स मिल जाती है जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क स्पीड मिल जाता है, ऑटो रोटेशन हमारा काम कर रहा है। और कस्टमाइज़ के अंदर आपको यहाँ पे जो कि प्रेजेंट थीम्स ये तीन देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे वॉलपेपर हो गया, एंड क्लॉक स्टाइल मिल जाता है जिसको आपको अमबिन डिस्प्ले इनेबल करना पड़ेगा तभी ये जो है यहाँ पे
ऑन होता है और ये काम तो फिलहाल हमारा नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक बग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जो है कमेंट में बता देना कि आप लोगों में से अगर किसी का काम करे तो भी बता देना, नहीं काम करे तो भी बता देना, ताकि आगे जो है फिक्स कर दिया जाए। बाकी सारी सेटिंग्स कस्टमाइजेशन में आपको मिल जाती है। यहाँ पे साउंड के अंदर आपको ईयरफोन जो कि मोड मिल जाता है। यहाँ पे ऑडियो जो ट्यूनर है ये काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है और कुछ ओपन होता ही नहीं यहाँ पे, तो एक दिक्कत ये देखने को मिली है। एंड नीचे हमारा सिस्टम साउंड देखने को मिल जाता है यहाँ पे, टच वाइब्रेशन जो कि आपको मिलता है। और बटन एंड जेस्चर के अंदर चलते हैं तो अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है। नेविगेशन बार जेस्चर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे जेस्चर तो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फुल जेस्चर। एंड यहाँ पे नेविगेशन बटन की बात करें तो ये भी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप यह जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। इसमें आपको कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जिसमें डबल टैप एक्शन हो गया, या फिर स्वाइप कर सकते हो बटन्स को एंड हाइड कर सकते हो नेविगेशन बार को, ये मिल जाता है। और नेविगेशन बार जो कि बॉटम पे आपको मिल जाता है, तो दोनों साइड से आपका ये स्वाइप अप करके आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे हाइड पिल कर सकते हो जो कि ये ऑप्शन जेस्चर का मिल जाता है। और यहाँ पे हम चलते हैं क्विक जेस्चर के अंदर, तो यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है वर्किंग, डबल टैप टू बैक काम कर रहा है, हालांकि ड्रो वाले ऑप्शन आपके काम नहीं करते यहाँ पे। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं हमारी सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिल जाता है, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स जो है ये कुछ सेटिंग्स आपको मिलती है स्क्रीन लॉक सेटिंग्स में, ये सारी सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ पे मिलेगी। और हम बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट आपका काम कर रहे हैं एंड्रॉइड 10 की तरह ही है ये, जैसे कि आप लॉक करते टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, जैसे कि बाकी सभी एंड्रॉइड 10 में ये चीज़ देखने को मिला है। बाकी ऐसे जो है ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काम कर रहा है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक में मुझे यहाँ पे बग मिला, हालांकि टेस्टर की तरफ से बताया गया था कि ये काम कर रहा है, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करके बताना है या फिर शायद मेरे में प्रॉब्लम है, क्योंकि बग जो है कभी कभार सेम सब में नहीं होता है, तो अलग अलग भी बग आ जाता है। तो आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इसे अगले अपडेट में फिक्स कर दिया जाए अगर आप सभी में आता है तो। एंड यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी की तरफ, तो बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4.5 घंटे मैं यूज़ किया हूँ, कैसे यूज़ किया मैं अभी बता देता हूँ। तो 2 आवर जो है फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया था, बाकी 2 आवर 2.5 घंटे करीब नॉर्मल यूज़ है पूरा, मतलब 2 घंटे फुल ब्राइटनेस पे यूज़ किया हूँ और 2.5 घंटे मतलब नॉर्मल ब्राइटनेस पे, तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे यूज़ किया था। तो बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप में फिलहाल दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं स्टोरेज हो गया, अकाउंट हो गया, एंड डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट। और यहाँ पे हम चलते हैं यूटिलिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पे जो है हमारा ये आप देख सकते हैं पैरेलल ऐप जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, मतलब डुअल ऐप आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, और ऐप लॉकर भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग यहाँ पे मिल जाता है। नीचे पॉकेट मोड का ऑप्शन दिया गया है। और सिस्टम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो गया, बाकी सारी नॉर्मली सेटिंग्स है, अपडेटर फिलहाल हमारे लिए नहीं है, यहाँ पर अपडेट आएगा भी तो आप अपडेट मत करना। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में, तो सिंपली आपको सिर्फ रोम डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको चलना अपनी कस्टम रिकवरी के अंदर, तो हम यहाँ पे जो है रिकवरी पे आ गए, और रिकवरी पे आने के बाद आपको वाइप पे जाना, और वाइप पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर इन 5ों को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देना, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कर देना। उसके बाद आपको अपने फाइल के अंदर जाना और यहाँ पे अपने रोम को जो है सिंपली सेलेक्ट करना और यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना। रोम जब इंस्टॉल हो जाए लेफ्ट साइड में वाइप कैच आएगा, तो वाइप कैच कर देना, एंड राइट साइड में आपको रिबूट सिस्टम रहेगा, सिंपली रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके रिबूट आप कर लेना, तो काफ़ी ईजी है। बस इसी तरीके से आपको जो है अपना रोम ये फ्लश कर लेना। उसके बाद आपका बूट एनिमेशन जैसे कि वन प्लस में आता है ऑक्सीजन, उसमें इस तरीके से आएगा, तो आपको आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा गेम के बारे में, तो गेम की जो ग्राफिक है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है बिल्कुल स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम, जैसे कि सभी रोम में देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। अगर आपको 90 FPS अनलॉक करना है, उसकी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन जो है आप चेक कर लिया करो, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको जो है मिल जाया करेगी वहाँ पे, तो आप जो है चेक कर लिया करो। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें पबजी परफॉर्मेंस की, तो पबजी परफॉर्मेंस अभी फिलहाल हम बोल सकते हैं ठीक ठाक, ज़्यादा बेटर नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि आपको जो है क्लोज रेंज में लैग देखने को मिलता है, क्लोज रेंज में जो है काफ़ी फिलहाल अभी लैग है, उतना ज़्यादा बेटर भी अभी फिलहाल नहीं है गेमिंग के हिसाब से। तो गेमिंग में फिलहाल अभी मैं उतना ज़्यादा बेटर अभी नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि गेमिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्लोज रेंज में, ऐसे अगर आप दूर से फाइट करो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हाँ क्लोज रेंज में जो है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, और जो चीज़ मैं आपको बोला हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई अलग बग मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और मैं नोटिस किया था जो कि स्क्रीन बैक वाली प्रॉब्लम, जैसे कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मिलता है इसमें, तो आप जो है कमेंट में बता दिया करो, ताकि आगे जो है मेंटेनर को बता सके, ताकि अगले अपडेट में जो है फिक्स कर दी जाए ये सारी प्रॉब्लम, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए ही फ़ायदे हैं, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें आप बता दिया करो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बग मिल जाता है तो।
ताकि हम जो है बात करके आगे जो है बताएंगे, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें अगले अपडेट्स में फिक्स मिल जाया करेगी। और बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।